राइट, तो स्टार्ट करते सीधा न्यूज के साथ। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले भाई यहाँ पे एक्टर वर्सेस यूट्यूबर वाली कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। एंड यू कांट बिलीव कि इसके अंदर कौन अपने ओपिनियन देने आ गया। तो यस, अपने अदनान भाई यहाँ पे ओपिनियन देने आ गए हैं। आउट ऑफ नो वेयर इनको पता नहीं क्या होता है, ये हमेशा आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये एक्टर वर्सेज यूट्यूबर वाली कॉन्ट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई। तो बेसिकली कल बिग बॉस के अंदर एक टास्क था जहाँ पे इन लोगों को डिबेट करनी थी। वहां पे जो रणवीर है जो की एक एक्टर है, वो कटारिया एंड अरमान मलिक को ये बोल देते कि भाई पता नहीं इन लोगों को कौन देखता है, पर जो भी देखता हो वैसे लोग होंगे। एंड इसके रिप्लाई में कटारिया बोल देते कि भाई आप ऐसा मत बोलो, जो हमें देखते हैं उनके रिस्पेक्ट करो, वो हमारी ऑडियंस है, आप ऐसा क्यों बोलो कि भाई इनको कौन ही देखता होगा। एंड यहाँ पे ये लाइन बोलने के बाद इस चीज के बारे में दोबारा डिस्कशन होता है। एंड ये दोबारा डिस्कशन में यहाँ पे 3-1 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अरमान मलिक, यहाँ पे कटारिया और यहाँ पे जो विशाल पांडे है, तीनों मिलकर यहाँ पे रणवीर शोरे को यह बोलते हैं कि भाई आपको हमारी ऑडियंस से दिक्कत क्या है, आपको सबकी ऑडियंस की यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे रणवीर भी रिप्लाई करते बोलते कि भाई मैंने तो अरमान मलिक को बोलती है चीज, यहाँ पे तुम लोग कैसे बीच में आ रहे हो। तो इसके रिप्लाई में भी यहाँ पे विशाल पांडे ये बोलते कि भाई जो इनको देखते हैं उनकी कुछ ऑडियंस हमें भी देखती है। तो रणवीर शोरे यहाँ पे बोल देते कि भाई यहाँ तो आप कुछ भी कनेक्शन बनाते जा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। एंड विशाल पांडे की बात हो रही तो आपको पता होगा कि भाई जब यहाँ पे बिग बॉस का पहला दिन था तो यहाँ पे भाई कटारिया वर्सेस विशाल पांडे के यहाँ पे थोड़ी रोस्ट वगैरह हो गए थे एक दूसरे के लिए। तो भाई यहाँ पे जो अदनान है वो भी इसके अंदर घुस गए। एंड वो कल कुछ ये बोलते हैं, मैंने देखा कि मेरे दोस्त विशाल को किसी के मैनेजर ने कुछ बोला और विशाल उसका जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर मैं देखना चाहता हूँ अभी जिसके लिए वेट कर रहा हूँ वो मैनेजर निजी दबाव से भिड़े। तो आप लोग बताओ आप लोग किसकी भिड़न देखने के लिए एक्साइटेड हो। और यार आपको पता होगा जब यहाँ पे बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था तो एल्विश यादव ने भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे काफी सारे लोगों के नाम लिए थे, लाइक कैरी मिनाटी, टेक्नो गेमर्स, अभिषेक मलान, मतलब ट्रिगर्ड इंसान। एंड वो जो एल्विश यादव ने वीडियो बनाई थी उसके अंदर उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान को बोला था कि वो बिग बॉस के अंदर जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई रनर अप भी तो होना चाहिए। तो इसी पोस्ट के नीचे कल यहाँ पे फुकरा इंसान एक कमेंट करते हैं जहाँ पे वो ये बोलते हैं, अरे एल्विश भाई निश्चय गवर्नमेंट से अवार्ड जीता था, आपको गवर्नमेंट से मिला क्या था, अरेस्ट या फिर बोल लो हथकड़ी। एंड वही अवार्ड की बात हो रही है जहाँ पे ट्रिगर्ड इंसान को मोदी जी से अवार्ड मिलता है। एंड फिर कुछ लोग यहाँ पे डिफेंड करने आ जाते हैं एल्विश यादव को, जहाँ पे वो दिखाते कि भाई एल्विश यादव को भी पे अवार्ड मिल चुका है। एंड कुछ लोग इस चीज के ऊपर मीम बनाने लग जाते हैं। इवन जिस बंदे ने ये मीम बनाया था उसने ये बाद में ये रिवील करा कि भाई एल्विश यादव ने इसका मीम जो था यहाँ पे लाइक कर रखा है। एंड आई डोंट नो कि भाई ये 100% ट्रू है या गलत है, क्योंकि अब आप लोग लाइक्स वगैरह नहीं देख सकते हो। खैर इसके कुछ देर बाद यहाँ पे एल्विश यादव भी फुकरा इंसान को रिप्लाई करते हुए कुछ ये बोलते हैं, आहा ब्रो मुझे नहीं पता था कि आपका ह्यूमर और टॉलरेंस आपको देखने वाली जनता की एज की तरह है कम। लेकिन यहाँ पे एक और चीज स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई एल्विश यादव ने अपना कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया है, मतलब जो उन्होंने रिप्लाई दिया था फुकरा इंसान को वो यहाँ पे डिलीट कर चुके हैं। एंड कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई वो डर गए यहाँ पे फुकरा इंसान से इसलिए डिलीट कर दिया। एंड यार एल्विश यादव की बात हो रही है तो कल उनका यहाँ पे एक इंटरव्यू आया था जहाँ पे उन्होंने धूव राठी के बारे में बात करी थी, जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि भाई अगर धूव राठी को सच में इंडिया के बारे में कुछ सोचना है ना तो भाई इंडिया में आके रहे पहले, जैसे कि धूव राठी ने यहाँ पे नीट एग्जाम के बारे में बात करी थी। तो इसके रिप्लाई में एल्विश यादव ने बोला कि भाई अगर आपको सच में इंडिया के एग्जाम की फिक्र है तो भाई इंडिया में आओ, आप जर्मनी में रहते हो, जर्मनी के रेजिडेंट हो, तो वहां के एग्जाम के बारे में बात करो, वहां के पॉलिटिक्स के बारे में बात करो। और यहाँ पे धूव राठी की बात हो रही है तो भाई यहाँ पे धूव राठी का जो केस चल रहा था वो फाइनली अब खत्म हो चुका है। और ये केस उसी चीज के रिगार्डिंग है जहाँ पे यहाँ पे जो डाबर कंपनी थी उसने धूव राठी के ऊपर केस कर दिया था, जहाँ पे रियल फ्रूट को लेकर यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। एंड इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद यहाँ पे धूव राठी को रिक्वेस्ट करी गई थी कि अगर वो यहाँ पे अपनी वीडियो में से उस पार्ट को यहाँ पे ब्लर कर दे या ट्रिम कर दे तो ये केस जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे धूव राठी ने इस चीज के लिए एग्री कर लिया है। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दिक्कत ना आए, क्योंकि कुछ लोग ये बोलते कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही है, कुछ बोलते तो केस हो जाता है, तो इस चीज के ऊपर कोई दिक्कत ना है, इसलिए भाई उस पार्ट को यहाँ पे धूव राठी ने एग्री कर लिया कि वो ब्लर वगैरह कर देंगे। और यार धूव राठी की बात हो रही है तो उन्होंने फिर से रिप्लाई दिया यहाँ पे अभिया न्यू को, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है कि अभिया न्यू ने यहाँ पे धूव राठी का एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया था एंड इनडायरेक्टली उनको टोंट मारा था इस चीज को लेके। तो धूव राठी ने भी फाइनली इस चीज का रिप्लाई दिया एंड क्या बोला आप लोग सुन सकते हैं। सरकार या यूट्यूबर इस पर कंसर्न दिखाएगा, सवाल उठाएगा, देश में 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आवाज उठाएगा, लेकिन मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदे यूट्यूबर्स और गोदे मीडिया के एंकर्स सवाल उठा रहे हैं मुझ पर कि मैंने न्यूज ही क्यों शेयर करी है वाली। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तुम्हारे अंदर या वो भी पीएम मोदी के चरणों में आपरित कर डाली। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा क्योंकि पार्टी ने थोड़ी देर पहले हम यहाँ फुकरा इंसान के बारे में बात कर रहे थे तो भाई उनके ऊपर यहाँ पे एलिगेशन लगा दी क्रेजी दीप ने। और ये एलिगेशन है भाई क्रेडिट ना देने के, क्योंकि आपको पता है कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे क्रेजी दीप ने एक गाना लिखा था फुकरा इंसान के लिए, तो उसी गाने में कुछ क्रेडिट को लेकर इशू था। तो वो क्या बोलते हैं आप लोग सुन सकते हैं। तो लिरिसिस्ट के आगे मेरा भी नाम है भाई, और जहाँ तक मुझे याद है गाना ऐसे बना था कि मैंने पहले हुक डाला था, एक वर्स दिया था, फिर अजीत भैया ने उसके आगे लिखा था, उसके बाद गाना बना था। कहने का मतलब फुकरा भाई मेरे को बस इतना है कि आप अपनी पीआर करवाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दो, लेकिन अगर मैं उस गाने के लिए कुछ और नहीं मांग रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरा क्रेडिट तो बनता है। आप मेरा नाम नहीं ले सकते अगर वहां पे जाके पॉडकास्ट में आपको लगता है कि यार दीप का नाम क्यों ले,
एंड इसके साथ साथ क्रेजी दीप ने यहाँ पे भाई थगेश को भी कॉल आउट करा था। झूठी कही, मैं चाहता हूँ आप उसको क्लियर करो। आपने आपकी वीडियो के अंदर खुद ही कहा कि मैंने चैट्स में आपको बोला है कि रजत दलाल जो है वो परफेक्ट कंटेस्टेंट है एपिसोड 1 के लिए, और मैं यहाँ पे दोगलापंती कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद वो चैट्स डाल दो, या तो आप चैट डाल दो कि मैंने अपनी पूरी चैट के अंदर कहाँ पे कहा है कि रजत दलाल बेस्ट कंटेस्टेंट है, क्योंकि भाई आपने आपकी वीडियो के अंदर कहा है और मुझे लगता है वो मेरे लिए है, हमारी चैट सिमिलर है। तो भैया मैं बस यही चाहता हूँ कि जैसे फुकरा इंसान के लिए आपने ट्वीट किया था कि भाई क्लियर करने के लिए ट्वीट डालो, तो थगेश बाबू अब आप भी या तो ट्वीट डाल के क्लियर कर दो कि वो मैं नहीं था, वो कोई और था। भाई ये पूरी वीडियो 26 मिनट की थी, अगर आपको ये देखनी है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड रजत दलाल की बात हो रही है तो भाई यहाँ पे अर्पित बाला ने भी रजत दलाल के ऊपर रिएक्ट करते हुए कुछ ये बोला, आप चाहे कुछ भी बोल दो, रजत दलाल कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये है, वो है। यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट रजत दलाल? रजत भाई जितनी कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं ना, उतने ही उस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं। तो लाइक आई एम कंफ्लिक्टेड, एक क्योंकि मैं एक डॉग लवर हूं तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, समझ गया हुई कॉन्ट्रोवर्सी है वो, बट रजत भाई ने ये भी तो किया है, वो चीजों को बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे शिवानी कुमार जो है जिनको यहाँ पे काफी ज्यादा हेट मिल रहा है क्योंकि वो यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिंज है, तो इस चीज को लेके यहाँ पे थगेश और मैक्सन ने रिएक्ट करा। तो सबसे पहले आप लोग सुन सकते हैं कि मैक्सन ने क्या बोला। अभी ना मैं अपने नए घर पे आ गया हूँ, ठीक है, और शिवानी के जो फैंस है वो कह रहे हैं कि मैक्सन शिवानी को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि वो छोटी जाति है, ये वो। पहली बात तो मैंने जाति वाला कार्ड खेला नहीं, तुम ही लोगों ने स्टार्ट करा, ठीक है। और रही बात जाति की, तो मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है ना या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, सबसे पहले गाली मैं ही उसको देता हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो इस तरीके की हरकत करें। और रही बात जाति की, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस जाति की है, मैं इंसान को इंसान की तरह देखता हूँ। डोली चाय वाला है, उसकी मैंने भर भर के तारीफ की है, उसकी मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, जिस तरीके से वो अपनी माँ के साथ, माँ के लिए उसने बिग बॉस रिजेक्ट कर दिया, उसकी भी मैं बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब डोली भाई बोलता हूँ मैं उनसे बात जब करता हूँ। तुम्हें लगता है मेरे को जाति से फ़र्क पड़ता होगा? तुम्हारा दिमाग में ना गोबर भरा है, गोबर, ठीक है। बोलने से पहले सोचते नहीं हो, ये फेसबुक के अंकल अंकल कहाँ से उठ के आ गए भाई ट्विटर पे? यार तुम लोग ना फेसबुक भी चलाओ यार, फालतू में ट्विटर पे आ गए, पढ़े लिखे नहीं, गवार लग रहे भाई। और जो झूला छाप डॉक्टर ना वो तो दूर ही रहो। और थोड़ी देर पहले हम बिग बॉस के बारे में बात कर रहे थे, तो बात कर लेते हैं वड़ा पाव गर्ल के बारे में। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एक एक करके स्टोरी क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे। हरा भाई जोगिंदर के दोस्त वड़ा पाव गर्ल के अगेंस्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि एल्गोरिदम के बेस पे ना यहाँ पे लड़ाई चल रही है कि हर दिन एल्गोरिदम चलता रहे, इसलिए एक दिन एक स्टोरी डालेंगे, अगले दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ताकि एल्गोरिदम में बने रहे। खैर यहाँ पे उन्होंने एक और वीडियो डाल दी यहाँ पे वड़ा पाव गर्ल को एक्सपोज करते हुए, और उन्होंने क्या बोला आप लोग सुन सकते हैं। वड़ा पाव ने जो भीख मांगी थी ना मदद की, वो सुना देता हूँ। हेलो हाँ जी, कैसे हो? चंद्रिका बात कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, बताओ। बस मैं भी बढ़िया, और सपोर्ट चाहिए आपका थोड़ा सा? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल है। अभी और भी सुनाता हूँ, वड़ा पाव को एक्सपोज करके रहूंगा पूरा, जितनी प्लानिंग, जितना वायरल होने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए, सारे चिट्ठे खोल दूंगा, सारी चीजें पड़ी हैं। एक और चीज सुनाऊंगा आपको, आप बोलोगे ये क्या करके गई है, ड्रामेबाज लड़की है ये। और सुनो, जो ये मुझे धमकी दे रहे ना इसकी टीम वाले, सबके राज खोल दूंगा। और एक सुनाता हूँ आपको, भाई की रिकॉर्डिंग, एक नाम तो नहीं लूंगा, मीडिएटर है अपने भाई, सुनो। चार दिन क्यों कह रही, क्यों इन्होंने बात चेंज हो गई, इग्नोर हो गया। मैंने फिर बोला, आज मैंने साथ बैठे हुए थे अकेले, मैंने कहा भाई मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा विक्की भाई से, बात करो, बुलाओ उनको मिलने के लिए, बट आप थे पार्टी में। ये तो वो आज आपके साथ एक डेढ़ घंटा बैठती है। मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, इग्नोर करा जा रहा था, ये उस टाइम की बात है, मुझे इग्नोर किया जा रहा था क्योंकि मेरे पैसे देने थे, मुझे ही धोखा दिया, सारे राज बताएं। एंड हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्री फायर के एक बहुत बड़े यूट्यूबर के बारे में जिनका नाम है लोकेश गेमर, जिनके यहाँ पे 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो भाई अभी रिसेंटली ऐसे रूमर स्टार्ट हो चुके हैं कि भाई उनको यहाँ पे जेल में भेज दिया गया है, या फिर ये बोलो कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। एंड ये चीज पिछले एक दो दिन से स्टार्ट हो रखी है, बट यहाँ पे एक और यूट्यूबर है जिनका नाम है विया गेमर्स, उन्होंने कल एक वीडियो डाली जहाँ पर उन्होंने बताया कि लोकेश गेमर को यहाँ पे पुलिस ने क्यों पकड़ा है। उन्होंने बताया कि भाई लोकेश गेमर ने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो डाली थी जहाँ पर उन्होंने प्रमोट करा था वही बाजी वाली ऐप कि आप कलर प्रेडिक्ट करो तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे जीतने पे, मैं हर एक दिन के 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ, जो कि ऑब्वियसली बात है भाई इंडिया के अंदर लीगल तो नहीं है। एंड करंटली आप देखोगे तो भाई वो पोस्ट वगैरह ना यहाँ पे लोकेश गेमर के इंस्टाग्राम से भी रिमूव हो चुकी है। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे ऐप प्रमोट करे थे जिसकी वजह से उनको यहाँ पे पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया। एंड इसके रिगार्डिंग और कोई ज्यादा डिटेल तो नहीं है। एंड यार ये पुलिस का पकड़ना एंड केस वगैरह की बात हो रही, तो हम एक और इन्फ्लुएंसर के बारे में बात कर लेते हैं। एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम के ऊपर जिनका नाम अर्चना है, उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जहाँ पे वो योगा
रही थी गोल्डन टेम्पल के अंदर, एंड इसी वजह से भाई उनको यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हेट कर रहे थे कि भाई आप गोल्डन टेम्पल में ये चीज क्यों कर रहे हो। एंड उनके अगेंस्ट यहाँ पे भाई एक्शन वगैरह भी लिया गया, एंड उनके अगेंस्ट यहाँ पे पुलिस कंप्लेन भी होगी इस चीज के लिए। एंड इस सबके बाद उन्होंने फाइनली अपोलोजाइज करा लोगों से, एंड उन्होंने बाद में ये रिवील करा कि भाई लोगों ने काफी ज्यादा गालियों वाले मैसेज दे रहे हैं और उनको फोन कॉल्स आ रहे हैं भाई सुबह से, और वो किसी की भी यहाँ पे रिलीजन के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाह रही थी। एंड इन केसेस वगैरह की बात हो रही तो भाई हम नीट एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई कल इसके रिगार्डिंग और भी बहुत बड़ी शॉकिंग चीजें आई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एनटीए के चीफ थे जिनका नाम यहाँ पे सुबोध कुमार था, उनको यहाँ पे हटा दिया गया, उनकी जगह एक न्यू आईएएस ऑफिसर को रखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि भाई नीट पीजी का एग्जाम होना था उसको भी यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि आज होने वाले थे। तो भाई यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम था जिसको फिर से यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब क्या ही चल रहा है, अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा है यहाँ। एंड इसके बाद काफी लोग सोचते थे कि भाई ऐसा क्यों करा, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे थे जहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि भाई नीट पीजी का एग्जाम भी यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर लीक कर दिया गया। भला आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। हम यहाँ बात करने वाले रचित्रों के बारे में, तो भाई एक बंदा जान पूछ के रचित्रों को टारगेट कर रहा है एंड जान पूछ के उनकी स्ट्रीम पे यहाँ पे भाई व्यू वोटिंग डाल रहा है। एंड व्यू वोटिंग का मतलब ये है कि भाई आपको बोर्ड लोग देख रहे होते हैं, असली लोग नहीं देख रहे होते, जिसकी वजह से आपके चैनल की भी रीच डेड हो जाती है या फिर के मोनेटाइजेशन में भी दिक्कत आती है। सेम वही चीज अब थोड़े दिनों पहले यहाँ पे मनोज दे के साथ हुई है। तो कल की स्ट्रीम पे यहाँ पे रचित्रों को भाई आराम से मेरे ख्याल से 7 या 10 हजार की वॉचिंग आ रही थी। एंड इसके बाद यहाँ पे वॉचिंग ना ये अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है, जिसके बाद कुछ लोगों ने ट्विटर के ऊपर एक बंदे को पॉइंट आउट कर रखा था जिसका इंस्टाग्राम ये है। एंड इसने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाल रखी थी कि भाई हमारा अगला टारगेट ना यहाँ पे रचित्रों है और रचित्रों को हम यूट्यूब से स्ट्राइक दे देंगे, उनको ये तरीका पता है, या फिर रचित्र जो है वो मेरी आईडी तुमको लाइव स्ट्रीम के ऊपर दिखा देगा एंड उनका जो कमेंट रेट का जो नेक्स्ट टारगेट है भाई वो यहाँ पे रचित्रों रहने वाले हैं। एंड इस चीज के ऊपर रचित्रों भी रिएक्ट करते बोलते कि भाई पूरा मूड खराब कर दिया इस बंदे ने। एंड हम बात कर लेते कल के वर्ल्ड कप मैच को लेके, तो भाई कल यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पे रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे थे क्योंकि भाई वो यहाँ पे ज्यादा बड़े स्कोर नहीं कर पा रहे मैचेस के अंदर। तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई रोहित शर्मा अभी भी वही शॉट मारे जो कि उन्होंने ओडीआई के वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर मारा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उस शॉट की कोई जरूरत भी नहीं है फिर भी यहाँ पे रोहित शर्मा मार रहे हैं। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि भाई रोहित शर्मा को क्या हो गया, वो बड़ी इनिंग्स कब खेलेंगे, एंड रोहित शर्मा यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे लोग एक प्लेयर को पॉइंट आउट कर रहे थे जो कि यहाँ पे बांग्लादेश के एक बॉलर हैं जिनका नाम यहाँ पे तंजीम है। तो भाई कल वो विराट कोहली को आउट करने के बाद यहाँ पे भाई उनको एग्रेशन दिखाते हैं, जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं कि भाई इतना भी क्या उखाड़ लिया इस बंदे ने जब विराट कोहली को एग्रेशन दिखा रहा है। आई मीन पॉइंट क्या हुआ, हार तो फिर भी गए तुम लोग। एंड भाई जो सबसे मस्त चीज हुई है वो आज सुबह ही है क्योंकि आज यहाँ पे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था एंड यहाँ पे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भाई हरा दिया वर्ल्ड कप मैच के अंदर। एंड इस चीज के बाद यहाँ पे जो नवीन उल्लक्का है वो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ये पोस्ट डालते हैं एंड यहाँ पे अभियानियों भी रिएक्ट करते हुए ये बोलते हैं कि यहाँ पे अफगानिस्तान ने अपना बदला ले लिया 2023 वर्ल्ड कप के मैच का, क्या इंडिया भी ले पाएगा। खैर इंडिया का मैच कल है यहाँ पे इस चीज को लेके। एंड इन मैचेस की बात हो रही है तो भाई यहाँ पे पाकिस्तान में भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान के चर्चे भाई उनके पार्लियामेंट के अंदर चल रहे हैं जहाँ पे कोई मिनिस्टर है या फिर जो भी है वो ये बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान यूएसए से भी हार गया, इंडिया से भी हार गया, ये बाबर आजम को हो क्या गया है। बाबर आजम का नाम देख के लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे बाबर आजम उन सारे यूट्यूबर्स के ऊपर केस करने वाले हैं जो कि उनके अगेंस्ट यहाँ पे हेट वगैरह देते हैं। प्लीज यार इन लोगों पे केस मत करना, ये फेवरेट है यार, ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे निकलो सालो तुम्हारी ऐसे की तैसी। खैर बाबर आजम अगर अच्छा खेल लेते तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वेल आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन हम बात करने वाले यहाँ पे शार्क टैंक के बारे में, तो भाई यहाँ पे शार्क टैंक के एपिसोड पे कुछ टाइम पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम यहाँ पे फिट एंड फ्लेक्स था जो कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए के लिए आई थी। खैर उनको यहाँ पे डील वगैरह तो नहीं मिली थी बट उन्होंने जो ये आने वाला जो प्रोमो था ना वो अपने एड्स वगैरह में यूज करा था अपने हर एक सोशल मीडिया पेज के ऊपर। एंड शार्क टैंक का ऐसा रूल है कि भाई अगर कोई भी कंपनी उनके शो के ऊपर आ रही है तो आपको 3 महीने की छूट वगैरह मिलती है कि भाई आप हमारा नाम वगैरह यूज कर सकते हो एड्स वगैरह में। बट इस कंपनी ने भी सेम चीज करी बट 25 दिन के अंदर ही इनके यहाँ पे जितने भी एड्स थे फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम के ऊपर वो सब यहाँ पे शार्क टैंक ने टेक डाउन करवा दिए। एंड इनके ओनर ने भी बताया कि भाई इनको कोई वार्निंग वगैरह नहीं आई शार्क टैंक की तरफ से। एंड इस चीज की वजह से अब इनके बिजनेस को भी इफेक्ट पड़ रहा है। इन्होंने पहले सोचा था कि इनका बिजनेस यहाँ पे 5 times से 7 times ग्रो करेगा, अब वो चीज नहीं हो पा रही है। बाकी मेरे भाई इस वीडियो को लेते हैं, अगर वीडियो अच्छा तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड अगर आपके पास कोई तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आप लोग वहां पे आकर दे सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।